औरत जैसा कमजोर औरत का जरूरत नहीं है घर जीने को। घर में जाओ। कल वो विदेशी यहीं से गायब हुआ था। ऐसा क्या है गर्जना का यहाँ जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा? वक्त भी हाथ से निकलता जा रहा है। सबसे पसंदीदा वार आना आप ऐसे ऐसे मारूंगा आप ऐसे किया। आप सूरज जी ने देख लिया तो फिर से दौरा पड़ जाएगा। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। लोगों ने भी ना सूरज जी सूरज वेद बोलू परी मिश्री चलो अंदर चल। कितनी बेशरम चोरी है। कितनी बेशरम चोरी है ना। मैं काकी सा दाई सा इस छोरी की तरफ से ना मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। अगर के करे कोई टावर थोड़े ना है जो इसे समझाते रहे।
इसने तो सारी लाज शर्म ही छोड़ दी है। हम तो कह कह के थक चुके हैं, ऐसा लगता है कान में रुई डाल के बैठी है। बड़ी लीचड़ है, बड़ी चीचड़ है, मैं के बताऊंगा, हम तो खुद दुखी हैं। इन्हें समझाना होगा कि ये घर परिवार और बहू बेटियों की रहने की जगह है, यहाँ ऐसी बेशर्मी नहीं चलेगी। उनसे ही कहा काकी साहब मेरी खैर कौन सुनता है, पर माफ कर दीजिए। सिंह क्या बताना चाह रही थी मुझे आई से, क्या लिखना चाह रही थी वो आई से? शायद कुछ लिखना चाह रही थी और लिख नहीं पाई। आई से क्या मतलब हो सकता है? आई से इंडिया, यहाँ पे हमला, कुछ और। क्या मतलब हो सकता है इन बातों का? क्यों समझ नहीं पा रही हूं मैं? इतने महीने हो गए मुझे यहाँ, और एक दरवाजा खुलता है तो दूसरा बंद हो जाता है। कहीं नहीं पहुंच पा रही हूं मैं, कहीं भी नहीं। क्यों हार रही हूं मैं? संध्या, आपने मुझे एक सबक दिया था एक बार, जिसे आज लगता है आप भूल गए। यही कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, भला ऐसी कौन सी लड़ाई है जो आपने शुरू की हो और उसको भी जीत के साथ खत्म ना किया हो। बिना जी लड़ाई आप कैसे हार सकते हैं? इम्तिहान, इसको आपको पूरा करना है, आपको जीतना है। मैं आपके साथ हूं क्योंकि मैं तो यही कहूंगा कि आपको जीतना होगा। सूरज, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी संध्या इस लड़ाई पे जीत पाके अपने घर, मेरे पास, हेत के पास, अपने पूरे परिवार के पास वापस लौटेंगे। मुझे विश्वास जीते। हाँ हाँ सूरज जी, मैं ये मिशन जीतूंगी। मैं हार नहीं सकती, ये मिशन जीत कर मैं घर वापस आऊंगी, आपके पास वापस आऊंगी, जरूर आऊंगी। सूरज जी, मैं ये मिशन जीत कर जल्दी घर वापस आऊंगी। मुझे पूरा पूरा विश्वास है आप पे, क्या पाएंगे। तुम जो संग हो लागे है मुझको सारा जहां अपना, मुझे मिलके चलेंगे है ये कसम जो साथ तेरा मुझको मिले। सूरज, इस सप्ताह की कड़ी ट्रेनिंग में जो कमांडो सबसे प्रथम आया है वो है महेश, तारपरे ललिता, तारपरे जॉय, और सबसे जो पीछे है वो है अनाज का शत्रु, दिमाग का व्यथा, बुखार
बेवकूफ सागरिका, आई एक भी काज ठीक से नहीं कर पाता सर, आई निशाना लगाना तो दूर, आई बंदूक पे ठीक से नहीं पकड़ सकता है, एक कमांडर नहीं बन सकता है। मंजरी माँ, अच्छा इंजीनियर कमांडर बोलो, आई शेखर इधर सबसे श्रेष्ठ कमांडो चुनने को आया है, बोका नहीं बेवकूफ नहीं। गर्जना के सिपाहियों, आज मैं तुम सबकी एक परीक्षा लेने जा रहा हूँ, जिससे ये साबित हो जाएगा कि तुम सब में सबसे बेहतर कमांडो कौन है। गाने अपनी अपनी कनपट्टी पर लगा लो और ट्रिगर दबा दो। अरे ये क्या कर रही है? ऑफिसर सिंह की ट्रेन स्टूडेंट हो, हाथ में पिस्तौल लेते ही जान लिया कि ये खाली है। शेखर अपने ट्रेन कमांडो की ऐसे सस्ते में बलि नहीं चढ़ा सकता, वो हमारे डर और मरने मारने के जज्बे की परीक्षा लेना चाहता है। हमारे इस मिशन पर सागरिका दास जाएगी, क्योंकि जो लोग मरने से नहीं डरते वही दुश्मन को मार सकते हैं। क्यों सही कह रहा हूं ना कमांडर? अब गर्जना के इस खुफिया काम पर जाकर मैं इन्हें ऐसा झटका दूंगी कि इनका सिस्टम हो जाएगा। बिना किसी रिश्ते के पराए घर में रहना, ये कहां की शराफत है? अब तक तो हम ये सोचकर चुप थे कि एक दिन तुम अपनी मर्यादा समझ जाओगी, लेकिन आज तो इसने हद कर दी बेशर्मी की। और नहीं तो के? अरे सूरज से रिश्तों के तेरो जो अहिया जाकर हनुमान गली में सबके सामने लिपट की भी का गला सा, तेरा शर्म भी को नहीं जरा सी? शर्म पेट जो खाई है। अरे इसी बेशर्मी से हमारे बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। अरे हम परिवार वाले लोग हैं, अट्ठे ये सब ना चलेगा। अरे सूरज की हालत तो इसी है कि वो बिचारो समझे ही को नहीं, लेकिन तना तो समझ है ना, तू तो समझे है ना कि यहाँ बिना ब्याह के कोई का घर है जाकर कोई छोरा का सागर रहा को नहीं? तेरे रिश्तों के सूरज का सागर बोलती बंद हो गई। चंदन और पानी का रिश्ता है हमारा। देखो, इसने तो किसी की लाज ही नहीं रखी, कैसे खुल्लम खुल्ला बोल रही है और आंखों में शर्म भी नहीं है। नाक कटवा दी हमारी और आप लोगों से विनती करो, इसे कोई सवाल पूछने की जरूरत ना है।
जी मालोगा के घर को मामलो है, हम लोग आपस में ही बात कर लेंगे। आप लोग जा सको। हाँ हाँ संतोष जा रहे हैं। तो तेरे घर को और परिवार को मामलो है ना, तो घर में सलटा ना। अरे हनुमान गली में तमाशा क्यों कर रही है? मैं लोग यहाँ की बेशर्मी हनुमान गली में बर्दाश्त कौन करेगा? हाँ चलो रे। इसके भाई को ही चाबी लगानी पड़ेगी। योगेश जी आपकी बहन तो पता नहीं किस धुनकी में अपनी लाज शर्म में खो बैठी है। आप मने समझदार दिखते हो, आपको अपनी इज्जत हमारी इज्जत जरा भी प्यारी ना, तो अपनी बहन को अभी के अभी इस घर से ले जाइए। आप भले इन सबको जवाब देना जरूरी ना समझे, पर मैं तो आपका भाई हूं ना, मेरा तो इतना अधिकार बनता ही ये सब जानने का। जी जी क्या चल रहा है ये सब? हाँ माना कि आपको सूरज जी को ठीक करना, पर ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ, सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। क्या यही बात ये लोग जान पाएंगे, समझ पाएंगे? नहीं। पता है ये लोग कितनी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं आपके बारे में, क्या कुछ बोल रहे हैं आपके बारे में? तू मुझे समझता है ना, मेरे लिए इतना बहुत है, लोगों की मुझे परवाह नहीं। लोकेश मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मैं इतना जानती हूँ कि मैं बहुत साफ नीयत से कर रही हूँ, और सूरज जी की भलाई के लिए अगर मुझे लोगों की नज़र में बुरा बनना पड़े, उनके ताने सुनने पड़े ना, तो मैं वो भी सुनूंगी। जी जी पर नहीं फर्क पड़े उसका मतलब क्या हुआ आपका? हाँ जी लेकिन किसी पे भी दया करके उसकी मदद करने की हद होती है ना, पर वो हद पार हो चुकी है। आप मुझे सच सच बात बताइए, क्या आप सूरज जी से सच में प्यार करने लगे? जी जी ये बात जानते हुए भी कि सूरज जी अपनी पहली पत्नी से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं सपने में भी किसी और लड़की के बारे में वो सोच भी नहीं सकते अपनी पत्नी के अलावा। जी जी आपसे कभी प्यार नहीं करेंगे। प्यार के बदले प्यार की आस करना तो स्वार्थ हुआ ना लोकेश, और सच्चे प्यार में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। सूरज जी मुझसे प्यार करे या ना करे, लेकिन मेरा प्यार उनके लिए कभी नहीं बदलेगा। और फिर ऐसा सच्चा प्रेम ही तो भक्त और भगवान को एक दूसरे से मिलाता है। मेरा और सूरज जी का रिश्ता भी ना एक भक्त और भगवान के जैसा है। जी जी कलयुग है, आपका सच्चा प्यार इस कलयुग में कोई नहीं जान पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। और मैं अपनी बहन को ऐसे रास्ते में कैसे छोड़ सकता हूँ जिसका कोई अंत ही ना हो? जी जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और जी जी लोगों का क्या है, लोगों की आदर्श बड़ी कमजोर होती है, आज आज की बात कल भूल जाएंगे। अब चलिए ना लोकेश। क्या हो रहा है शेखर?
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।